विमानों में बम की धमकी का साया। सात समंदर पार भी फैला है ये बवंडर। दहशत की इन लहरों में कैसे करेंगे हम सफर। विमानों में बम की धमकी का साया, सात समंदर पार भी फैला है बवंडर। ये लाइनें सुनकर तो आप भी समझ गए होंगे कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। दरअसल कुछ महीनों से लगातार कभी स्कूलों में बम की धमकी दी जा रही है तो कभी फ्लाइट्स में, और ये धमकी एक बार नहीं बल्कि बार बार दी जा रही है। लेकिन इसके पीछे की असल वजह और असल आरोपी अभी तक कोई नहीं जान पाया। एक बार फिर से विमान में बम की धमकी देने का वाक्या दोहराया गया, वो भी एक फ्लाइट नहीं, दो नहीं, जी हाँ तीन भी नहीं, बल्कि 20 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली है। आखिर कौन है इन धमकियों के पीछे और क्या है उसका मकसद, तो चलिए हम बताते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। शनिवार को भारतीय एयरलाइंस की 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम होने की चेतावनी मिली, जिसमें प्रमुख नाम थे इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और स्पाइस जेट। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। पिछले एक हफ्ते में 40 से ज्यादा विमानों को झूठी धमकियां मिल चुकी है, जो जिसके चलते एयरलाइंस को 80 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। इन धमकियों की बौछार के बीच केंद्र सरकार ने एयर मार्शलों की संख्या को दोगुना करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट भी मांगी है। विमानों में बम की धमकी से चिंतित एयरलाइंस ने फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा की फ्लाइट्स को भी इसी तरह की चेतावनियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सभी जगह से बम की कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि इंडिगो की फ्लाइट में बम रखने की झूठी खबर फैला रहा था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने 6 FIR दर्ज की है और सरकार ने धमकी भरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। अब यह साफ है कि ये धमकियां महज एक दहशत का खेल है, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है। एविएशन मिनिस्ट्री ने भी बयान दिया है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले की हम बात करें तो 17 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी। मुंबई फ्लाइट UK 028 की मुंबई में आपात लैंडिंग कराई गई। यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई। जब अधिकारियों ने बम की धमकी की सूचना क्रू मेंबर्स को दी, विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से उड़ान भर रहा था। इससे पहले 16 अक्टूबर को इंडियन एयरलाइंस के 7 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली। बम होने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसमें इंडिगो की 4, स्पाइसजेट की 2 और आकाशा की 1 फ्लाइट शामिल है। जांच में सभी धमकियां फर्जी निकली। हालांकि सभी एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। वहीं इससे एक दिन पहले 15 अक्टूबर को भी एक शख्स ने धमकी भेजी थी, वो भी झूठी निकली। 7 फ्लाइट्स में धमकी दी गई थी। धमकी मिलने वाले फ्लाइट्स में एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डाइवर्ट कर दिया गया। प्लेन को कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया। यहाँ यात्रियों और उसमें मौजूदा सामान की जांच की गई थी। और इससे पहले 9 अक्टूबर को विस्तार की लंदन दिल्ली फ्लाइट धमकी वाला टिश्यू पेपर, जी हाँ आपको याद तो होगा ही, लंदन से दिल्ली जाने वाली विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK 18 में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन में टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर्स को सूचना दी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। विमानों में बम की अफवाहों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि आकाश में उड़ते हुए भी हम हमेशा एक नए खतरे के साए में हैं। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है, जहां सुरक्षा का कोई कोना सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब हमारे मन में सवाल है, अगर आगे कुछ घटना हमारे साथ घट गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ये अफवाहें बंद नहीं हो सकती? आखिर ये कब तक चलेगी और कब तक हम इस खौफ के साए में रहेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।